नमस्कार मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप समझिए, धूम कोहरा, धूम तथा कोहरा का मिश्रण होता है। सर्दी के दिनों में जो कोहरा अधिक होता है तो धुएं के कण इसमें मिलकर के धूम कोहरा बना देते हैं, जो हमारे श्वास तंत्रों को नुकसान पहुंचाता है। फ्रेयान किस प्रकार हानि पहुंचाता है? फ्रेयान में क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स की मात्रा अधिक होती है, जो ओजोन की परत को प्रभावित करती है, उसकी मोटाई को कम करती है। मोटाई के कम होने से सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधी आती हैं और जीवधारियों को हानि पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लाईएश क्या है, इससे क्या हानि है? कोयले के जलने से जो बारीक धुएं के कण होते हैं वो इस वायुमंडल में मिल जाते हैं। वायुमंडल में कार्बन के कणों के मिलने से हमारी नाक के द्वारा श्वास लेते हैं तो ये कण फेफड़ों में पहुंचते हैं और फेफड़ों को, श्वास नलिकाओं को ये बहुत हानि पहुंचाते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें, भूमि की ऊपर मृदा का क्या महत्व है? मिट्टी में जो सबसे ऊपरी जो परत होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें पौधों और फसलों के लिए पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को वृद्धि करते हैं, बीजों और दानों को मोटा बनाते हैं। ऐसे तत्व जो ऊपर मृदा में होते हैं ये पौधों के लिए बहुत लाभकारी और फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। जीव मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल और पूरा वायुमंडल को मिला के एक नया ऐसा मंडल बनता है जिसमें जीव जंतु निवास करते हैं, इसको हम जीव मंडल कहते हैं। समुद्र तट के किनारे पतंग को उड़ाना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र से बहने वाली स्थल की ओर ठंडी हवा में जब पतंग को उड़ाया जाता है